सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। एडबेस्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन में इंग्लैंड ने अपनी पारी खत्म कर भारतीय टीम को 194 रनों की बढ़त दे दी है। वहीं भारतीय टीम ने भी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 110 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 84 रन पीछे है। वहीं आपको बता दें, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली 43 और दिनेश कार्तिक 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। यानी अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर है। वहीं भारतीय टीम की शुरुआती 5 बल्लेबाज इंग्लैंड गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने पहली पारी में 149 रन की शानदार पारी खेली थी, तो अब भी कहीं न कहीं पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली पर ही होगी। गौरतलब है कि इंग्लैंड की दूसरी पारी 180 रनों पर सिमटती नजर आई थी, जिसके कारण भारत को 194 रनों का लक्ष्य मिला था। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली मैच के चौथे दिन भारत को ऐतिहासिक जीत दिला पाएंगे। खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।